रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक 11 सरकारी बैंकों को मार्च 2019 तक 70 से 95 हजार करोड़ रुपए की पूंजी की जरूरत पड़ेगी। मूडीज के मुताबिक इन बैंकों में स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंक शामिल हैं। पूंजी की जरूरत बेसल 3 के नियमों को पूरा करने के लिए पड़ेगी, जबकि सरकार की इन बैंकों में महज 20,000 करोड़ रुपए डालने की योजना है। मूडीज का यह भी मानना है कि इन बैंकों के पास बाहर से पूंजी जुटाने का जरिया भी सीमित ही है। मूडीज की सहयोगी कंपनी इकरा का मानना है कि बैंकों की एसेट क्वालिटी आगे भी कमजोर ही रहेगी। इकरा के मुताबिक मार्च 2018 तक इन बैंकों का एनपीए 8.25 से 8.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, हालांकि एनपीए बढ़ने की रफ्तार कम रहेगी। एसेट क्वालिटी पेन जो है वो काफी बड़ी प्रॉब्लम है इस पॉइंट सिस्टम के लिए। अब जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता है या बैंकों को एडिशनल कैपिटल नहीं मिलती है, वो थोड़ी बहुत और 1-1.5 साल तो लग जाएंगी फॉर बैंक्स को वापस अपनी पोजीशन ठीक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।